हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ, एक केस का, एक इंटरनल हार्ड डिस्क केस, जिसको आपके जो इंटरनल हार्ड डिस्क होगा उसको आप यूज़ कर सकते हैं एज ए एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। तो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, ये बॉक्स निकल चुका है, इसके अंदर और कुछ भी है नहीं, इसे साइड में रख देते हैं। ये रहा इसका बॉक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बॉक्स में पीछे और कुछ डिटेल्स देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। Okay, तो चलिए अभी इसे ओपन ही कर लेते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। okay, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें इसका पावर केबल मिला है जो 3 पॉइंट्स है यहाँ पे, और ये रहा ये। उसके बाद हमें ये एडाप्टर मिला है यहाँ पे, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए इसका इनपुट, इसका आउटपुट वोल्टेज और एम्पियर। और इसके बाद ये रहा मेन केस, इसे हम ओपन करते हैं। रैपर ये देखिए, यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट मिलेगा आपको, और इसके बाद यहाँ पे ऑन और ऑफ पावर की स्विच है, यहाँ पे पावर सप्लाई है, और फिर इसे ओपन करना होगा हमें। बॉक्स में और अभी हम कुछ नहीं मिलेगा, तो इसे भी हम भी साइड में रख देते हैं। तो अभी हमें इस बॉक्स को ओपन करना है। ओके तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक होल देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों साइड एक एक होल है, तो आपको यहीं से इसे प्रेस करके इसे ओपन करना है। तो मैं इसे ओपन करने के लिए एक सिंपली की का यूज़ करूँगा। बॉक्स के अंदर एक यूएसबी दिया हुआ है, यूएसबी टू यूएसबी केबल। यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, उनको अभी हम यूज करेंगे। ठीक है, ये इसका जो कैप था ये, और इसे अभी हम दूसरे साइड से भी हमें इसे ओपन करना होगा। ये रहा इसका साटा केबल, और ये रहा इसका पावर सप्लाई जो हार्ड डिस्क में लगेगा। ओके तो फ्रेंड्स, इसे लगाने के लिए हमें ऑब्वियसली एक हार्ड डिस्क चाहिए होगा। तो मेरे पास है ये एक सीगेट की 500 GB की हार्ड डिस्क, तो इसे ही हम यूज़ करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं, मेरे जो साटा पोर्ट है उसका हमें यहाँ पे इस जगह पे जो साटा पोर्ट है जो यहाँ पे है, हमें यहाँ लगाना होगा। ये रहा इसका पावर सप्लाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी हम यहाँ लगाएंगे। ओके, ये लग चुका है, तो अभी इसे हम इसके अंदर ही डाल देते हैं सीधा इस बॉक्स के अंदर। ऐसे इसे हमने ऐसे डाल दिया, और इसे हम उसके बाद बंद कर देंगे। ओके तो फ्रेंड्स, हमने हार्ड डिस्क को अभी यहाँ लगा दिया है, हार्ड डिस्क ये अंदर है। तो अभी जो इसका सेकंड कैप था जो मैं निकाला था, इसे भी यहाँ हम लगा देंगे। इसे लगाने में आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि इसको लगाना थोड़ा सा टफ हो सकता है, ये थोड़ा सा टाइट है यहाँ पे। ओके तो फ्रेंड्स, हमने हार्ड डिस्क को अंदर इंसर्ट कर दिया है, हार्ड डिस्क यहाँ पे है, अगर आप थोड़ा सा कैरफुली देख सकते हैं तो। ठीक है, तो अभी हम
यहाँ पे इसका पावर सप्लाई यूएसबी वगैरह लगा के अभी हम सीधा जो मेरा लैपटॉप है वहाँ टेस्ट करेंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये काम करता है। ठीक है ठीक है, तो ये रहा जो हमने लगाया था हार्ड डिस्क इसके अंदर, और ये रहा लैपटॉप, और अभी हम इसको कनेक्ट करेंगे लैपटॉप को हार्ड डिस्क से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये मैंने आपको बताया था कि ये जो इसका पावर सप्लाई है, तो ये रहा जो इसका पोर्ट है, ये इसका पोर्ट इसके अंदर इंसर्ट होगा, और इसके बाद ये जो है ये हमको इसको पावर सप्लाई देना है। तो आप इसे आपके घर के एडाप्टर में कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे एक ग्रीन लाइट जो लाइट है कि ब्लिंक हो जाएगी जब पावर सप्लाई मिल जाएगा इसे, और उसके बाद जो ये पोर्ट है पीएस पोर्ट, इसको आपको यहाँ इंसर्ट करना है इसके। ये देखिए यहाँ पे एक पावर केबल है, पावर पोर्ट, इसे यहाँ इंसर्ट कर देना है। जैसे इंसर्ट करेंगे यहाँ पे ऑन करने पे, ये देखिए ऑन और ऑफ का बटन है यहाँ पे, ऑन करने पे यहाँ पे एक लाइट रेड लाइट ब्लिंक हो जाएगी, इसका मतलब ये चालू हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे जो यूएसबी केबल हमको मिला था उसको आपको यहाँ कनेक्ट करना है, उसके बाद लैपटॉप से कनेक्ट करना है। तो ये रहा इसका यूएसबी टू यूएसबी केबल, ये रहा इसका यूएसबी टू यूएसबी केबल। तो अभी हम इसे यहाँ कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे इसे अपने लैपटॉप में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी मैं जो ये हार्ड डिस्क है उसे कनेक्ट करूँगा और आपको बताऊँगा कि कनेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे माय कंप्यूटर, आप यहाँ पे तीन डिस्क देख सकते हैं। तो अभी मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो हार्ड डिस्क आ चुकी हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा पुराना डेटा है जो मैंने रखा था यहाँ पे, ये पुरानी फाइल्स यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप एक इंटरनल हार्ड डिस्क को आपके किसी भी लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो डिवाइस है उसकी प्राइस या फिर जो इसकी डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ख़रीदना हो तो डायरेक्ट आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे परचेस कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।